How are you? My name is Alok Pandey, your chemistry mentor. Today is fourth lecture of our chapter States of Matter. In the last video, what we discussed about the concept of different types of laws like Charles' law, Gay-Lussac's law, Avogadro law. We also discussed about the equation of state. In today's lecture, we are going to discuss about the concept of very, very important ideal gas equation. We will also discuss the concept related to kinetic theory of gases, and we will also discuss two important factors, DLPP, Dalton's law of partial pressure, as well as Graham's law of diffusion. तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपका लगभग 70% चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है. तो स्टे ट्यून्ड, गेट रेडी. चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं बच्चों जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या आइडियल गैस इक्वेशन. In the last video, what we seen, we just observed that equation of state क्या कहती है. Do you remember equation of state ने क्या बताया था? The equation was PV upon T is equal to K. And the numericals में आप क्या कर रहे थे? P1 V1 upon T1 is equal to क्या यूज कर रहे थे बेटा? P2 V2 upon में T2. याद है? अब क्या हुआ? ये इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफरेंट डिफरेंट गैसेस पे अप्लाई की गई, कभी हाइड्रोजन पे, कभी ऑक्सीजन पे, कभी नाइट्रोजन पे. जब हर एक गैस का वन मोल लिया गया तो पी वी और टी का जो रेशियो के है वो हमेशा सेम आने लगा, और उसको नाम दिया गया, ये क्या था आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट. जब सब गैस के लिए सेम आने लगा तो इसी गैस कांस्टेंट का नाम बदल के रख दिया गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. समझ में आई बात? उसका सिंबल दिया गया R. चलो अब हम बात करते हैं, लिखते हैं, स्टार बना के लिखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन एंड कॉन्सेप्ट. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये. क्या हुआ? व्हेन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड For one mole of different, one mole of different types of gases, then value of PV upon T was same for different gases. Different gases which was named universal gas constant. So the equation formed was known as आइडियल गैस इक्वेशन. लाइक पी वी अपॉन टी को अब क्या कह दिया गया? आर. ये क्या है? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पी वी अपॉन में टी को क्या माना गया? आर. जब फॉर वन मोल गैस, किसके लिए बेटा? वन मोल गैस. फिर बोला गया फॉर एन मोल गैसेस. जरूरी नहीं है हर बारी गैस जो है वो वन मोल हो, वो एन मोल भी हो सकती थी. तो फॉर एन मोल गैसेस पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ गया? एन आर. तो पी वी इज इक्वल टू क्या मान लिया गया बेटा? एन आर टी. इज दिस क्लियर? इस इक्वेशन को ही क्या बोला गया? आइडियल गैस इक्वेशन. इज दिस क्लियर? आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा. प्लीज पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें या नोट करें इसको अपनी कॉपी में, तब हम आगे बढ़ते हैं. इज दिस क्लियर? अब हम थोड़ा सा इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट वे में भी समझते हैं कि ये आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आई. ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आइडियल गैस एक इमेजिनरी गैस है जो सारे गैसियस लॉज को
एक साथ साइमल्टेनियसली फॉलो करती है. वैसा हो नहीं सकता, बट ये इमेजिन किया गया क्या कि हम यहां लिखेंगे क्या, ऑल्टरनेट मेथड टू प्रूव और डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन. कैसे? पहले तो आइडियल गैस को माना गया इमेजिनरी यूनिवर्सल गैस विच कैन फॉलो ऑल गैसियस लॉज साइमल्टेनियसली. अच्छा, अब हम बोले V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T. आपने पढ़ा है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. ये क्या है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. एक ही बात है. ये कौन सा लॉ था ये बताओ बस. बॉयल्स लॉ, यू रिमेंबर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. ये कौन सा लॉ है? फॉर एवरी 1 degree सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेस स्मॉल T अपॉन 273.15 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम. कौन सा लॉ था? यस, चार्ल्स. ओके, अच्छा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. ये कौन सा लॉ था? ये तो सबको याद होगा, एवोगैड्रोस लॉ. अब हम इनको जब कंबाइन करते हैं ऑन कंबाइनिंग तो हमें एक फैक्टर कॉमन दिखता है, वी वी वी. तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू टी इंटू एन. तो बेटा V इज इक्वल टू R, यही यहां पे कांस्टेंट माना गया, T इंटू एन. ध्यान से देखें तो हम यहां पे देख सकते हैं पी वी, पी को इधर ले गए तो पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, एन आर टी. समझ में आया? इक्वेशन ऑफ स्टेट की जगह हम इस तरीके से भी इसको डिराइव कर सकते थे. और इसको क्या बोला गया, आइडियल गैस इक्वेशन. इज दिस क्लियर? यस. चलिए इसको नोट डाउन करें फटाफट, 3, 2, 1. चलिए, केमिस्ट्री बहुत इजी है. सोने से पहले 5 बार, यही दवाई है, यही मेडिसिन है, यही थेरेपी है केमिस्ट्री को आसान बनाने की. केमिस्ट्री एक्चुअली कनेक्शन नहीं है थोड़ा इसमें, ऑर्गेनिक में तो है, इनऑर्गेनिक में थोड़ा वीक है, और फिजिकल में तो बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक्स कनेक्ट हो जाते हैं. तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप टॉपिक को पढ़ते रहो. और कहते हैं ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है केमिस्ट्री में, ज़्यादा बार पढ़ना होता है. जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करोगे उतना वो टॉपिक आपको क्लियर होता जाएगा और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा. समझ रहे मेरी बात को? चलिए तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं. अभी एक और है क्या क्वेश्चन, डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. अच्छा, कैसे? तो आंसर है, एज वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी. तो पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में एमआरटी. तो पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में वीआरटी. फिर मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डीआरटी. तो इस तरीके से हम पीएम इज इक्वल टू क्या लेते हैं, डीआरटी. ये आइडियल गैस इक्वेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन करेंगे. प्लीज नोट इट डाउन, 3, 2, 1. क्या है वो क्वेश्चन? गिव सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. क्वेश्चन है, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जिसका सिंबल क्या होता है R. तो आप कैसे इसका सिग्निफिकेंस बताओगे? आपको पता है पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी. तो R इज इक्वल टू क्या होगा, पी वी अपॉन में एन इंटू टी. अब जो प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो प्रेशर को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर माइनस टू. वॉल्यूम का क्या करोगे, ऑब्वियसली वॉल्यूम एसआई यूनिट. अगर हम देखें
तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा एन, एन क्या होता है, मोल, और टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन। तो इस तरीके से हमने देखा। अब बताएं इसको सॉल्व करके क्या आएगा, मीटर क्यूब और मीटर की पावर माइनस टू, तो ये क्या आ गया, न्यूटन मीटर अपॉन में मोल केल्विन। क्या ये बात आपको समझ में आई, न्यूटन मीटर अपॉन में मोल केल्विन। क्या आपको ये पता है न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, मीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, और फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते थे, वर्क डन अपॉन में मोल केल्विन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, यस। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी का यूज करते हुए हम आर की डिफरेंट वैल्यूज को यहां पर डिराइव करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर, मतलब क्या आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलिए अब हम कैसे करेंगे इसको, तो हम बोलेंगे सबसे पहले केस वन। केस वन में हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारी जो सारी कंडीशंस हैं वो एस टी पी हैं। क्या कंडीशंस हैं, एट एस टी पी। तो आर इज इक्वल टू, आपने क्या देखा है बेटा बताओ, ऑब्वियसली आपने देखा है कि जो प्रेशर है वो क्या है, न्यूटन मीटर माइनस टू। तो ऐसे कर लेते कंडीशन कि यहाँ पे पी कितना लेंगे आप, 1 atm, बोलो ठीक है, पी कितना लेंगे, 1 atm, और वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पर, 22.4 liter। अच्छा एन कितना होता है एसटीपी पर, बोलिए, पता होगा आपको नंबर ऑफ मोल, पहले बता चुका हूँ मैं, 1 mole, और जो टेम्परेचर है वो 0 degree प्लस 273 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 273 केल्विन आएगा। अब R इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू वी अपॉन में N इंटू टी। प्रेशर कितना बोला आपने, 1, वॉल्यूम कितना बोला 22.4, N कितना बोला 1, और ये कितना है 273, एग्जैक्ट नहीं तो 273.15। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.0821 आता है, कितना आता है बेटा 0.0821। इसकी यूनिट क्या होगी, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, या पर मोल पर केल्विन। इसको आप 1/12 भी यूज़ कर सकते हो फॉर न्यूमेरिकल्स। ये बहुत जगह यूज़ होने वाला, इवन इस चैप्टर में जो आर की वैल्यू यूज़ होगी ज़्यादातर क्वेश्चन में वो यही वाली होगी, 0.0821। अब हम आते हैं केस टू पे। केस टू पे हम क्या ले लेंगे, MKS सिस्टम। कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे बेटा, MKS। अगर मैं MKS की बात करूं तो N तो नंबर ऑफ मोल, तो मेरे लिए क्या होगा, 1 mole। लेकिन अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो क्या करूंगा, थोड़ा सा फंसे हम, प्रेशर क्या करें भाई बताओ, किसी को पता है STP पे, सॉरी MKS सिस्टम में प्रेशर क्या लेंगे, तो शायद आपको पता हो कि जो न्यूटन मीटर माइनस टू है वो एक किसके बराबर होता है, पास्कल के, ठीक है। तो आप जो प्रेशर है वो क्या लोगे, 1 atm इज इक्वल टू, 1 atm यूज़ नहीं करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, 1.01325 इंटू 10^5 पास्कल, जिसको आप क्या लोगे, न्यूटन मीटर माइनस टू। तो अब जो प्रेशर मुझे यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, 1.01325, और जो वॉल्यूम है वो आपने 22.4 लीटर लिया था। लीटर बेसिकली होता क्या है, डेसीमीटर क्यूब, और आपको पता होना चाहिए कि जो एक डेसीमीटर है वो 0.1 मीटर के बराबर होता है ना, एक मीटर में 10 decimeter। तो आप इसको 22.4 × 10^-3 मीटर क्यूब कह सकते हो। प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, एन पता है, टी बताएं कितना लेंगे आप, ऑब्वियसली वही लेंगे सेम, 273 केल्विन। अब आर इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी अपॉन एन टी, ये क्या लिखेंगे, 1.01325 × 10^5। वी कितना लेंगे बेटा,
22.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एन 1 और ये 273। इसे सॉल्व करेंगे, ये कई लोग जानते भी होंगे, 8.314। क्या होता है बेटा 8.314? यूनिट क्या होगी? जूल पर केल्विन पर मोल। ये तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, क्योंकि वो वर्क डन के बराबर है, तो जूल पर केल्विन पर मोल। किसी को डाउट तो नहीं है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 273 का 3 थोड़ा अच्छे से बना दूं, अच्छा लग रहा है, ये लो, फिर भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये कब यूज होता है? जब एनर्जी और वेलोसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। किसके लिए यूज होता है? फॉर एनर्जी एंड वेलोसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आई गेस आपको आर की दोनों वैल्यू समझ में आ गई होंगी, ठीक है, 0.0821 और 8.314। क्या अभी तक आपको सारा समझ में आ गया? बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर। दोबारा से थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो थी पी वी अपॉन में बोलो टी इज इक्वल टू क्या था? के। अब अलग अलग गैसेस के लिए जब निकाला गया पी वी अपॉन में टी, जब गैसेस का मोल क्या लिया? 1, तो वो सेम वैल्यू आई, तो उसको क्या बोल दिया गया? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर। तो पी वी अपॉन में टी इज इक्वल टू क्या आ गया? आर। फिर देखा गया एन मोल ऑफ गैसेस के लिए कुछ नहीं करना था, आर की जगह क्या कर दिया? एन आर। तो उसको प्रॉपर जब देखा तो यहां से टी उठाया और पी वी इक्वल टू क्या कर दिया? एन आर टी। फिर हमने बोला इसी इक्वेशन को हम अलग तरीके से भी मैनेज कर सकते थे, जब हमने यूज किया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और क्या यूज किया? एवोगैड्रो लॉ। तो जब मैं वी कॉमन था तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, आगे बोलो एन और क्या था? टी। तो पी उधर चला गया और कॉन्स्टेंट आर आ गया, तो सीधे पी वी इक्वल टू क्या आया? एन आर टी। फिर हमने डेंसिटी के टर्म में देखा तो पी एम इक्वल टू क्या आया? डी आर टी। अब हम यूनिवर्सल आर जो है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर, उसकी यूनिट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा केस 1, जब हम क्या यूज करते हैं? एस टी पी। तो एस टी पी में वैल्यू क्या आई? 0.082, जिसको क्या यूज करेंगे? 1/12। दूसरी कंडीशन क्या आती है आपकी? जब हम इसको एम के एस सिस्टम फॉलो करते हैं, तो एम के एस सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट करके देखा कि 1 ATM इज इक्वल टू क्या होता है? 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या 101325 ले लो, वो तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दूसरा क्या था उसमें? पी के बाद वी, वी क्या था? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। हमें एस आई में यूनिट क्या चाहिए? मीटर क्यूब। तो हमने इसको 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एन सेम है 1 मोल और टी कितना है? वही 273 केल्विन। सॉल्व किया तो अब डेटा क्या है? 8.314। पर जो 8.314 है वो कहाँ यूज होता है? जब क्वेश्चन में जनरली क्या दी हो? एनर्जी या वेलोसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल। समझ में आ गया? अब और भी कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कैलोरी हो गई, अर्घ हो गई, किलो पास्कल्स हो गई, तो इसमें भी हम इसको कन्वर्ट करके यहीं के यहीं खत्म कर लेते हैं क्वेश्चन बना के। चले आगे, चलिए 3 नोट कर लें से जल्दी, 3 2 1। अब एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर्मेट में हम इसके यूनिट्स को और देख लेते हैं। बेसिकली हमें याद हो गया है आर की दो वैल्यूज हैं, 0.0821 जो 1/12 के बराबर है, और 8.314 जो 0.0821 है वो क्या है? लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, और जो 8.314 है वो क्या है? जूल पर केल्विन पर मोल। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम क्वेश्चन क्या लिखते हैं? रेड मार्कर यूज करते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर इन, पहला पार्ट कैलरी ऑब्लिक मोल केल्विन, ठीक है, इसके लिए मैं जगह छोड़ देता हूं। दूसरा अर्ग ऑब्लिक मोल केल्विन, और तीसरा सेंटीमीटर ऑफ HG ML मोल केल्विन, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, किलो पास्कल तो आप इजीली कन्वर्ट भी कर लोगे, ये वाले 3 क्वेश्चन में ही हम थोड़ा अपना ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 कैलरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4.18 कैलरी। अब आर आपने अभी सीखा है क्या होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर मैं इसमें 8.314 को 4.18 से डिवाइड करूं तो ये जूल क्या बन जाएगा? कैलरी पर केल्विन पर मोल। अब आप 8.31 को 4 से करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आ रहा है, रियल में आर की वैल्यू 1.98 कैलरी पर केल्विन मोल हो गई, या आप इसको 2 कैलरी ऐसे ऑब्लिक नहीं लिखना चाहते तो
केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया, इजी लग रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, तो आगे बात करते हैं बेटा। आगे अर्घ, अब आपको पता होना चाहिए एक जूल में 10^7 अर्घ होते हैं, तो एक जूल इजुगल टू 10^7 अर्घ, सो वन, ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही यूज हो जाएगा, है ना, एक जूल में 10^7 अर्घ है, तो आर इजुगल टू क्या होगा, 8.314 इंटू 10^7, जूल की जगह क्या आ गया अर्घ पर केल्विन, और पर क्या आ गया मोल, बहुत इजी है। तीसरा है, अगर आपको याद हो तो 1 ATM जो है वो 760 mmHg के बराबर है, सेंटीमीटर एचजी पूछ रहा है, तो क्या होगा 760 की जगह 76 हो जाएगा, तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 ATM इज इक्वल टू 76 cm HG, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचें आप, जो हमने पढ़ा था अभी PV/NT, उसमें हम P की जगह अब क्या रखेंगे 76, वॉल्यूम क्या था 22.4, है ना, तो इसमें 10^3 से कर दें, क्योंकि हमें वॉल्यूम अब क्या लेना है मिलीलीटर में, समझा दूं थोड़ा सा, एक्चुअली जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है, और हमें वॉल्यूम की यूनिट क्या लेनी है इसमें, ml, अब ml लेनी है तो आपको पता है 1 लीटर में 1000 लीटर, तो 22.4 है तो 1000 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, बाकी अपने भाई साहब n तो सेम ही है और ये 273 है। अब इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, खुद ट्राई करें, बाकी एट दी एंड में आपको आंसर बता देता हूँ, 6.3 × 10^3 सेंटीमीटर ऑफ HG ml मोल केल्विन, बोलो क्लियर है बेटा। तो ये कुछ यूनिट्स का कन्वर्जन मैंने आपको बताया, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहाँ कहाँ काम आता है। अब हम इसके कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, शुरू करें बेटा न्यूमेरिकल। चलिए एक छोटा सा सवाल अब आपके सामने आ रहा है, पहले मैं इसको मिटा लूँ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, क्वेश्चन लिखते हैं हम ब्लू मार्कर से, अब 12 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, क्या बोला मैंने, 12 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस एक्सर्ट्स 2 ATM प्रेशर, कितना एक्सर्ट कर रही है बेटा, एक्सर्ट्स 2 ATM प्रेशर, बोलो ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट आपको ATM मिल गई। अच्छा, इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 dm³, इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम कितना बोला मैंने 5 dm³ एट 227°C। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन गैस, कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ एन अननोन गैस, तो आप कैसे करोगे, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपको क्वेश्चन में पहले क्या यूज करना है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, क्वेश्चन में प्रेशर तो हम देख लेंगे, बट नंबर ऑफ मोल को ओपन कर लेते हैं पहले ही, W/m × RT, प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है 2 ATM, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5 dm³, W आपको पता है तो कितना 12 ग्राम, मोलर मास आपको निकालना है। अब सवाल उठता है R क्या यूज़ करें, आपको याद है R की दो वैल्यूज आपने यूज़ की थी, जूल पर केल्विन पर मोल क्या था 8.314 और लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, यस 0.082, तो आप चाहें तो यहाँ क्या यूज़ कर लें 0.082, और टेम्परेचर 227 है तो 273 ऐड करेंगे पूरा 500 हो जाएगा, यस। अब आप देख सकते हैं कि m इज इक्वल टू 12/10, 0.082 का 1/12 ले लें, अब आपको बड़ा आसान लगेगा ये, सीधे कट के m इज इक्वल टू क्या आएगा 50 ग्राम मोल इनवर्स, या m इज इक्वल टू 50 U, यूनिफाइड मास यूनिट भी आप कह सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, इजी लग रहा है, आई गेस यस,
आपको समझ आ रहा होगा। तो चलें आगे, रेडी, चलो 3, 2, 1। चलिए तो अब हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट प्रेशर एग्जर्टेड बाय 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ए कंटेनर ऑफ 8 लीटर वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब आप कैसे करेंगे, जरा समझें इसको। आपको निकालना क्या है, प्रेशर कितने ग्राम, 48 ग्राम। अब आप क्या करें, आपको पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन आर टी। अब आपको प्रेशर ही निकालना है, वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 8 लीटर, तो बताएं एन कितना होगा, 48 ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन का गैसेस फॉर्म में फॉर्मूला क्या है, O2, 16 × 32। आर की वैल्यू ऑब्वियसली 0.082 यूज करेंगे और टेम्परेचर 27 है तो कितने केल्विन है, 3। तो आपका जो प्रेशर आएगा वो आएगा 48 × 8 × 32 × 0.082 को 1/12 और 300। सॉल्व कर लें, प्रेशर कितना आता है, 8 × 6 = कितना होता है 48, 6 × 2 = 12। अब 300 / ये क्या हो गया, 2 × 2 = 4, 3 और 2 × 3 = 6। तो इसको आगे सॉल्व करते जाएं एग्जैक्टली एट द एंड जो आंसर आएगा, देखें ज़रा 4.5, देखो 6 × 4 = 24, 240 तो जा ही रहा है, तो 4.5 ATM के अप्रॉक्स में आ जाएगा। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। इज दिस क्लियर बेटा। चलो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इस टॉपिक पे। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है, यहां से देखते हैं क्वेश्चन में, 12 ग्राम ऑफ ए गैस, 12 ग्राम ऑफ ए गैस जिसका मोलर मास कितना दिया है, 120 U। देख लें आप, एक गैस है जिसका मास कितना है, गिवन मास 12 ग्राम और उसका मोलर मास क्या है, 120 U। एग्जर्ट से प्रेशर ऑफ 1 ATM, क्या कर रहा है वो गैस, क्या कर रही है, एग्जर्ट्स ए प्रेशर ऑफ 1 ATM एट टी डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है, स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस देन प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10%। देन प्रेशर इंक्रीजेस बाय कितना परसेंट बेटा, 10%। कैलकुलेट क्या क्या निकालना है आपको, वी एंड टी, आपको दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में डेटा देखें कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, पी वी इज इक्वल टू P into V इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। प्रेशर कितना है, 1 ATM, वॉल्यूम को V रहने दो, N कितना होगा 12/120, R की वैल्यू चाहे तो आप इसको लिख लें और ना चाहे तो इसको R ही रहने दें। अब जो T है वो केल्विन होता है तो स्मॉल T में क्या ऐड करेंगे, 273। सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू 0.1 × R और इसको मैं T मान लेता हूँ साइड में लिख के, कि कैपिटल T का मतलब हमारे लिए क्या है, स्मॉल T प्लस 273 फॉर द ईज, नहीं तो प्लस का मतलब हमें थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट करनी पड़ेगी।
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर वन। आगे चलते हैं। नाउ वो क्या कह रहा है, न्यू टेम्परेचर वो कितना हो गया, टी प्लस 10 प्लस 273, यही हुआ ना। तो आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी प्लस 273 प्लस में 10, मतलब कैपिटल टी प्लस 10। और वो वॉल्यूम को क्या बोल रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो न्यू प्रेशर जो होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, पहले कितना था 1, अब वो आपको कह रहा है प्रेशर को 10% बढ़ा दो। तो 1 प्लस 10 अपॉन में 100 इंटू 1, तो ये 1.1 एटीएम हो गया। इसको T2 मान लो, इसको T1 मान लो। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, सोचें हम क्या देखते हैं कि अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो अब क्या होगा, प्रेशर 1 की जगह 1.1, वॉल्यूम सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल भी वही 0.1 है, ये R है बस, ये यहां पे क्या आ जाएगा, T प्लस 10, इसको 2 मान लो, डिवाइड 1 बाय 2। तो V अपॉन में 1.1V इज इक्वल टू 0.1 इंटू आर इंटू टी अपॉन में 0.1 इंटू आर इंटू क्या हो गया, T प्लस 10, सही बात है। अब R से R कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन में 1.1 इज इक्वल टू टी अपॉन में टी प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, टी प्लस 10 इज इक्वल टू 1.1 टी, तो ऑब्वियसली उसको उधर ले जाएं तो 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.1 टी, तो टी आपका कितना केल्विन आ गया। इज दिस क्लियर? चलिए मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर देता हूँ जिससे आपको ये प्रॉपर दिख जाए। अब देखें सही है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब हम आगे सोचते हैं थोड़ा सा, क्या ये तो आया T, तो आपको पता है T इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल T प्लस 273, तो ऑब्वियसली ये 100 है, ये T है प्लस 273, तो स्मॉल T इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 173 डिग्री सेल्सियस। एक काम तो हमने कर दिया, अब हमें वॉल्यूम भी पूछ रहा है, तो यूजिंग T इन 1, यहां पे आप देखें V इज इक्वल टू क्या था, 0.1 इंटू आर इंटू कैपिटल T, R की वैल्यू कितनी है 0.083 है ना, और T कितना है आपका 100। अब इसको सॉल्व करें कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करके देखें, 0.1 इंटू 100 तो 10 हो गया, तो आप इसको चाहें तो 0.83, देखो ना 0.1 में ये 10 बचा, ये डेसिमल इधर शिफ्ट हुआ, तो 0.83 लीटर वॉल्यूम आ गया और ये टेम्परेचर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा, देख लें। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन जरा डेंसिटी वाला भी देख लिया जाए, PM इज इक्वल टू DRT कैसे यूज होता है। 3, 2, 1, चलो आगे बात करते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है ये, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CO2 एट STP। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CO2 एट STP। तो कैसे करेंगे, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ CO2 एट STP। लो जी थोड़ा मैंने शेड कर दिया, ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे ही ठीक था। डेंसिटी ऑफ CO2 एट STP, ठीक है, डेंसिटी ऑफ CO2 एट STP। अब हम आगे क्या करें, तो मैं कैमरा थोड़ा सा दोबारा से वापस वैसे ही कर लेता हूँ उस पोजीशन में, ये लो ठीक है। आपको CO2 की डेंसिटी निकालनी है STP पर, तो कैसे निकालें, सोचें अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT।
और PM इज इक्वल टू क्या होता है DRT। क्वेश्चन में आपको STP पे प्रेशर सबको पता होता है कितना होता है बताओ, 1 m मोलर मास CO2 का 44, D आपको निकालना है, R की वैल्यू 0.0821 ले लेंगे और STP पे टेम्परेचर कितना होता है 273। सॉल्व करें 44 अपॉन में 0.0821 इंटू 273 इज इक्वल टू D आएगा, कितना आना चाहिए बताएं आप अंदाजा, ये लगभग 22.4 के आसपास होता है, तो जो डेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम पर लीटर के बराबर आ जाएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा है, आसान सा है, इजी है, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन देख लें इसी बात पे, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा आपका माइंड और क्लियर होगा इसमें। शुड आई स्टार्ट? 3, 2, 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2, क्या है गैसेस का नाम, CO एंड CO2 एट 2 atm प्रेशर एंड 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज 2 ग्राम पर लीटर। फिर आपसे कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CO इन द मिक्सचर इफ R इज इक्वल टू 0.08। तो अच्छा क्वेश्चन है, अब हम कैसे निकालें, अब हम क्या करेंगे, D इज इक्वल टू PM अपॉन में RT होता है, बस IM को हम क्या ले लेंगे, एवरेज मास, क्या ले लेंगे, एवरेज मास। डेंसिटी आपको 2 दी हुई है, प्रेशर आपको 2 दिया है, एम एवरेज आपको निकालना है, आर की वैल्यू कितनी होती है 0.082 और टेम्परेचर 400। तो जो एम ए वी आया वो कितना आया 32। अब हम परसेंटेज ऑफ CO कैसे निकालें, तो ये मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, परसेंटेज ऑफ CO निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ मास ऑफ CO2 माइनस एम एवरेज, या एवरेज में से दोनों में से कुछ भी ले लें, मॉडुलस लेना है, अपॉन में बड़ा मोलर मास किसका होता है, CO2 का या CO का, ऑब्वियसली CO2 का बड़ा, तो मोलर मास ऑफ CO2 माइनस मोलर मास ऑफ CO, एवरेज के केस में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम परसेंटेज CO कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44, एवरेज आपने कितना निकाला 32, और अपॉन में बताएं CO2 का मोलर मास कितना होता है बेटा 44, और कैसे निकाला, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 टू जा 32 प्लस 12 कितना आएगा 44, CO का कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16, तो 44 माइनस क्या आ गया 28, तो 44 माइनस 32 4 माइनस 2 2 4 माइनus 3 1 और ये 4 माइनस कितना होगा 14 माइनस 8 6 और 3 3 माइनस 2 1 तो 4 और इंटू 100 भी करेंगे, परसेंटेज है ना, तो इंटू क्या हो जाएगा 100, तो आप इसको 100 से करें 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 25 तो ये कितना आ जाएगा 75%। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, ईजी है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके चलिए, तो अब हम अलविदा ले सकते हैं किससे, आइडियल गैस इक्वेशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई गेस आपको ये समझ भी आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। शुड आई रब इट? 3, 2, 1। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो अप्लाई हो सकता है उन गैसेस पे जो एक क्लोज कंटेनर में तो हैं लेकिन आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं। अगर गैसेस का नेचर बाय चांस रिएक्टिव हुआ तो उनका जो प्रेशर है वो वेरिएबल हो जाएगा रिएक्टिव नेचर की वजह से। मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई होगा और उस लॉ को हम रॉल्ट्स लॉ कहते हैं, दैट विल बी स्टडीड इन द चैप्टर सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम पढ़ रहे हैं DLPP, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो टॉपिक का नाम क्या बोला मैंने, DLPP, डाल्टन्स लॉ
ऑफ पार्शियल प्रेशर. क्या कहता है ये लॉ? डी एल पी पी. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले आप समझ लें, अगर मैं एक कंटेनर में गैस ले लूं, सपोज मैंने इस कंटेनर में गैस ए को ले लिया, यहाँ पे मैंने गैस बी को ले लिया, मैंने यहाँ पे गैस सी को ले लिया, सबका वॉल्यूम कितना कितना है? सेम वी लीटर, वी लीटर, वी लीटर. अब मैं सेम वी लीटर कंटेनर में गैस ए प्लस बी प्लस सी को ले लूं, और इनका नेचर क्या होगा? नॉन रिएक्टिव. तो यहाँ पे जो गैस का प्रेशर होगा उसको आप पी ए बोलोगे, यहाँ गैस का प्रेशर पी बी होगा, यहाँ गैस का प्रेशर क्या होगा? पी सी. तो यहाँ पे जो पी टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, बिकॉज गैस क्या होंगी बाय नेचर? नॉन रिएक्टिव. ये कंडीशन है, ठीक है बेटा. अब ये लॉ क्या कहता है वो देखें. व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिव गैसेस आर प्रेजेंट इन ए क्लोज कंटेनर, देन टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स. मतलब पी टोटल वो आपका लिख ही दिया गया है, पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी. इसी के ऊपर मैं एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन देता हूँ. Which of the following, in which of the following pairs, in which of the following pairs DLPP is not applicable? चार options मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, इनमें से कौन कौन से pairs हैं जिनमें DLPP apply नहीं होगा. Option number A, helium and argon. Option number B, आर्गन प्लस एन टू. ऑप्शन नंबर सी, एन टू प्लस सी एल टू. ऑप्शन नंबर डी, मान लीजिए हम दे देते हैं एस टू प्लस रेडॉन. बताएं, ऑब्वियसली नोबल गैसेस का इन्वॉल्वमेंट रिएक्टिविटी को वहीं ख़त्म कर देता है. तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो एन टू प्लस सी एल टू. एस टू प्लस सी एल टू कुछ भी लिखा होता, जैसे एन सी एल थ्री बनाता है ये. तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है. तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, पार्शियल प्रेशर है क्या, और फिर हम इसको डिराइव करेंगे. स्टार्ट करें, चलो. अब क्वेश्चन है, डिफाइन पार्शियल प्रेशर. डिफाइन पार्शियल प्रेशर, आखिर ये पार्शियल प्रेशर है क्या? तो हम बोलेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, इंडिविजुअल गैस प्रेजेंट इन दी सेम कंटेनर, इन दी सेम कंटेनर एट सेम टेम्परेचर. इज कॉल्ड इट्स पीपी, पार्शियल प्रेशर. बोलो क्लियर है? चलो अब हम डेरिवेशन पढ़ते हैं कि डेरिवेशन में डीएलपीपी कैसे अप्लाई होता है, कैसे लगता है, ठीक है. मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया
हमने उसमें दो गैस रख दी, एक गैस रख दी यहाँ पे ए, तो उसका, और इधर से हमने गैस क्या डाल दी यहाँ पे बी। वॉल्यूम क्या ले लिया वी लीटर, टेम्परेचर क्या ले लिया टी केल्विन। बोलो ठीक है। अब मैं इस गैस में जो पी टोटल लिखूंगा इंटू वी इज इक्वल टू एन टोटल इंटू क्या होगा आर टी, हाँ या ना। अब मैं रखूंगा पी ए इंटू वी तो ये क्या होगा एन ए आर टी, फिर मैं लिखूंगा पी बी इंटू वी तो ये क्या होगा एन बी इंटू आर टी, हाँ या ना। बोलो क्लियर है। अब मैं इस इक्वेशन को वन मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को बेटा टू मान लेता हूँ, और इस इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया थ्री। अब मैं अगर टू और थ्री को ऐड करूँ, एडिंग टू एंड थ्री, तो मैं क्या देखता हूँ पी ए प्लस पी बी इंटू वी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी इंटू क्या हो गया आर टी। बोलो सही बात है। अब अगर मैं वन से फोर को कंपेयर करूं, वन से फोर को कंपेयर करूं, इसको फोर मान के कंपेयरिंग वन विद फोर, तो साफ दिख रहा है वी कॉमन वी कॉमन एंड ये हो गया, तो आप देख सकते हो पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा पी ए प्लस पी बी, और एन टोटल इज इक्वल टू क्या होगा एन ए प्लस एन बी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, येस और नो? आई गेस आ गई होगी, ईजी है। अब इसको एक बार नोट डाउन करें तब हम आगे बढ़ते हैं। थ्री टू वन, चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें। अभी तक हमें ये बात समझ में आ चुकी है, अब इसको आगे अप्लाई कैसे करना है। अब हम सिंपली डिवाइड करते हैं वन को फोर से। वन को किसे डिवाइड कर रहे हैं फोर से, तो वन आपका क्या था, वन को फोर से नहीं करते हम, एक काम करते हैं जो हमने वन इक्वेशन लगाई थी वो पी टोटल थी, सेकंड में पी ए था और थर्ड में पी बी था, है ना। तो हम सेकंड को वन से करते हैं, तो पी ए अपॉन में क्या आएगा पी टोटल इंटू वी इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन में बेटा एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी। तो आप देख सकते हो ये कट गया, पी ए अपॉन में पी टोटल इज इक्वल टू एन ए अपॉन में क्या आएगा एन ए प्लस एन बी, गिवन मोल अपॉन में टोटल मोल क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन जाइए, तो पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू क्या आएगा जाइए। ऐसे ऑल्सो अगर मैं थ्री को वन से करूँ, यहाँ पे ऑल्सो डिवाइड लिख देते हैं, ऑल्सो डिवाइड थ्री बाय वन, तो आप क्या करोगे पी बी अपॉन में पी टोटल वी वी इज इक्वल टू एन पी आर टी अपॉन में एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी, सेम कॉन्सेप्ट है। सो पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा पी टोटल इंटू जाइए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हमने क्या देखा, हैंस पार्शियल प्रेशर, आपको पता है ना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। इज दिस क्लियर, इज दिस लॉ क्लियर टू ऑल ऑफ यू गैस? आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें ये बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज नोट इट डाउन, थ्री टू वन। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है कि मान लो ए कंटेनर कंटेन्स 16 ग्राम O2, 24 ग्राम CH4, 24 ग्राम CH4, इसके अलावा कंटेनर में है
96 ग्राम O3 एंड साथ के साथ 80 ग्राम SO3, ठीक है, एट 227 डिग्री सेल्सियस एंड 10 लीटर कंटेनर वॉल्यूम, ठीक है जी। ये सारी चीजें आपको गिवन है। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। क्वेश्चन समझ में आता है? चलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं कि जो बच्चे करना चाहें उसको पॉज लेके करें, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आंसर क्या है। आपको पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, 16 अपॉन में 32 मतलब 0.5 मोल। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4, तो बेटा 24 अपॉन में 16 कितना आ जाएगा, 1.5 मोल। फिर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ O3, तो 96 अपॉन में 48, तो ये आ जाएगा 2 मोल। फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ SO3, तो 80 अपॉन में SO3 का मोलर मास, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 2 जा 48, तो वो भी कितना आएगा 80, तो 80 अपॉन में 80 ये भी कितना आ गया, 1 मोल। अब आप कैसे निकालोगे पी ऑफ O2, ऑब्वियसली क्या होगा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो पी टोटल कितना है, आपको दिया ही नहीं है पी टोटल, तो अब क्या करें। हाँ जी, PV = nRT लगाना पड़ेगा पहले, तो अब इसको ये रोक देते हैं, पी टोटल इंटू V = nRT या एन टोटल इंटू RT, अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो एन टोटल मेरा कितना आता, 1.5 मेरा 245 मोल आ जाता। अब पी टोटल मुझे निकालना है, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, एन टोटल मेरा 5 आया, R की वैल्यू हुई 1/12 और T टेम्परेचर कितना होगा 500। इसे सॉल्व करें आप पहले 10 से 50, तो 12 अप्रॉक्सीमेटली पी टोटल अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 20 के आसपास आएगा, 20 ATM। अब निकालें आप प्रेशर ऑफ O2 = P total into ζ of O2, मतलब 20 ζ of O2 कितना है 0.5 अपॉन में 5, तो ये आ गया 2 ATM, है ना बेटा, ये 0.1 into 20 कितना आएगा 2 ATM। ऐसे ही प्रेशर ऑफ कहाँ गई दूसरी गैस CH4, तो 20 कितना मोल है इसका CH4 का 1.5, तो 20 into 1.5 अपॉन में 5, तो 6 ATM। फिर प्रेशर ऑफ CH4 के बाद अगला कौन है O3, तो इसका कितना है भाई 2 अपॉन में 5, मतलब 20 into 2 अपॉन में 5, तो ये कितना आएगा 8 ATM। ऐसे ही प्रेशर ऑफ SO3 निकालते तो 20 into 1 अपॉन में 5, तो ये कितना आता 4 ATM। जरा ऐड करके देखो 8 4 12 12 और 6 18 और 2 20, तो हमने एग्जैक्टली ये क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर लिया। क्या आपको ये बात में समझ में आ गई है? यस, तो आगे चलें फिर एक और क्वेश्चन देख लें इसी बात पे। चलो एक न्यूमेरिकल और, 3 2 1। तो अब हम कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को, पहले क्वेश्चन पढ़ तो लें, है ना सर, यही बोल रहे हैं ना आप। एक कंटेनर कंटेन्स CH4 एंड SO3 इन द वेट रेशियो ऑफ 3:5, ठीक है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर पीपी। क्या करोगे, आंसर करते हैं, लेट वेट ऑफ CH4 3x ग्राम, वेट ऑफ SO3 5x ग्राम। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 = P total into मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4,
अपॉन में पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसओ थ्री। ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे बताएं, पहले यहीं पे थोड़ा स्पेस यूज कर लेते हैं। प्रेशर ऑफ सी एच फोर अपॉन में सॉरी एसओ थ्री, प्रेशर ऑफ एसओ थ्री, पी टोटल से पी टोटल गया, अभी आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सी एच फोर अपॉन में एन टोटल, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसओ थ्री अपॉन में एन टोटल, अब ये भी उड़ गया एन टोटल से एन टोटल, अब प्रेशर ऑफ सी एच फोर अपॉन में प्रेशर ऑफ एसओ थ्री, अब गिवन वेट ऑफ सी एच फोर अपॉन में सी एच फोर का कितना होता है 16, फिर गिवन वेट ऑफ एसओ थ्री, अब इसका कितना होता है 80, आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मुझे कि इसका मोलर मास क्या होगा 80, अब आप इसको क्या लिखेंगे डब्ल्यू ऑफ सी एच फोर को 3x अपॉन में 16, इसको ऊपर ले जाएं 80 अपॉन में क्या आएगा 5x, x से कैंसिल 16 5 जा 5 कट के 3/1, तो प्रेशर ऑफ सी एच फोर और एसओ थ्री क्या रेशियो आ गया 3:1। अच्छा क्वेश्चन था ना ये भी। तो डी एल पी पी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लें क्या? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट डीएलपीपी पे, फिर हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, इस वीडियो को भी फिनिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और काइनेटिक थ्योरी देख लेंगे, है ना, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज। चलिए ये लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर है ना एक अलग लेक्चर बनाएंगे उसका। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन और, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वल वेट्स ऑफ H2 एंड CH4 आर मिक्स्ड इन ए कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2। कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2 का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2 का मतलब है पी ऑफ H2 अपॉन में पी टोटल, यही मतलब है इसका। अब हम क्या करें, ऑब्वियसली हमें दोनों को इक्वल वेट बोला गया है तो दोनों को हम एक्स एक्स ग्राम ले लेते हैं, सही है। तो हम निकालते हैं लेट डब्ल्यू ऑफ H2 इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ CH4, चलिए हम इसको 1 ग्राम मान लेते हैं, इजी पड़ेगा, जब हमें एक्स का कॉन्सेप्ट क्यों लगाना, हम या तो दोनों को 1 ग्राम मान लें या दोनों को 100 ग्राम, है ना। तो कैसे करेंगे, 1 ग्राम मान लिया, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 क्या होगा 1/2 मतलब 0.5, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 क्या होगा 1/16 और 1/16 को 1/16 ही रहने देते हैं, सही है। अब हम क्या करेंगे 1/16 मान लेंगे और इसको भी 1/16, अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 तो वो 0.5 मतलब 1/2 रहने देते हैं, फिर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस 1/16 तो ये हो गया 1/2, ये 16 एलसीएम आ गया, और 8+1 तो बेटा ये कितना आ गया 1/2 और ये हो गया 16/9 तो 2/8 जा तो ये कितना आ गया 8/9, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 कॉमन सेंस है वो क्या आएगा 1/9 क्योंकि दोनों का टोटल कितना आता है 1। अब मैं निकालूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 तो वो कितना निकलेगा, पी टोटल कितना है नहीं पता, तो पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 है ना, तो पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना है 8/9। अब हमें निकालना क्या है पी ऑफ H2 अपॉन में पी टोटल, तो ये क्या हो जाएगा पी टोटल इंटू 8/9 अपॉन में पी टोटल, यही तो निकालना है हमें, पी टोटल से पी टोटल कैंसिल तो रेशियो क्या आ गया 8:9। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया, बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो यहीं पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, हमें उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आई गेस ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी फैमिलियर विद माय वे ऑफ टीचिंग, आपको मेरा स्टाइल समझ में आ रहा होगा और आप इसको घर पे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और पूरी उम्मीद है मुझे आपसे कि आप 100% प्रॉपर वे में इसका एफर्ट डाल के रिजल्ट लेके आएंगे,
बहुत खुश करने वाला रिजल्ट। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।